बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अफ्ताब नासर। जी डी स्टूडेंट, नेक्स्ट मोड एक्सरसाइज 1.2 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कहता है फिल द स्पेसेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। हमने ये फैक्टर ट्री जो है इनको फिल करना है। जिधर जिधर कुछ ये खाली नज़र आ रहा है आपको, ये बॉक्स खाली नज़र आ रहे हैं, इनको हमने फिल करना है। तो यहाँ पर उसने एक वर्ड बोला है फैक्टर ट्री। ये फैक्टर ट्री क्या होता है, ये क्या चीज़ है, इसको हम ज़रा पहले समझ लें कि ये फैक्टर ट्री क्या चीज़ है। तो यहाँ पर देखें, एक मेथड है फैक्टर ट्री। क्या है जी? एक मेथड है, ठीक है। एक डिवीजन मेथड है, दूसरा फैक्टर ट्री मेथड है। दो मेथड हमारे पास होंगे, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें फैक्टर ट्री मेथड को किस तरह से हम फिल करते होते हैं। सबसे पहले हमारे पास देखें, यहाँ पर जो एग्जांपल है वो 36 दी गई है। तो 36 को हमने फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है। एक नंबर हमारे पास गिवन है, 36 जो है, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 18 लिख सकता हूँ ना, ठीक हो गया। तो मैंने एक बॉक्स के अंदर 2 लिख दिया, एक बॉक्स के अंदर 18 लिख दिया। अगर इस तरह से आपको मुश्किल लगता है तो मैं एक और तरीका साथ आप बता देता हूँ। जैसे हम फैक्टराइज़ करते होते हैं, तो क्या करते थे कि हमारे पास है जी 36 है ना, 36, तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूँगा। 2 × 2 और 16 रह गया, 2 × 8 = 16। तो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करूँ तो 36 बनता है। तो इस साइड में मैंने 2 लिख दिया, इस साइड में मैंने 18 लिख दिया। एक साइड में मैं प्राइम नंबर लिखता जाऊंगा, एक साइड पे कंपोजिट लिखता जाऊंगा, ठीक होगा। जो प्राइम नंबर होगा उसको मज़ीद हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक होगा। प्राइम नंबर होता ही वो है जो अपने आप पर और एक पर तकसीम होता हो। तो यहाँ पर 2, अब 2 को मैंने नेक्स्ट वैसे लिख दिया। 18 जो था उसको मैंने मज़ीद ब्रेक करना है। तो 18 को ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं जी, 2 × 9 = 18। 2 और 9 आगे दो फैक्टर, तो मैंने 2 को इस साइड पर लिख दिया और 9 को इस साइड पर लिख दिया, ठीक हो गया। अब 2 जो है नेक्स्ट वैसे चलता जाएगा। अब 9 जो है इसको मैंने कैसे सॉल्व करना है, 3 × 3 = 9। तो मैंने जो 9 था उसको मैंने ब्रेक कर लिया, 3 × 3। तो यहाँ पर देखें लास्ट पे क्या आता है, 2 × 2 × 3 × 3। तो मैंने इसको इस फॉर्म में ऐसे लिख दिया। तो ये जो हमने मेथड, ये जो समझा हमने, ये क्या है, फैक्टर ट्री मेथड। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इसने यही कहा है कि आपने इनको फिल करना है, ठीक हो गया। तो फिल करने के लिए आप साथ साथ ये रफ़ में जो ना, ये मैं जो आपको काम करवा रहा हूँ, रफ़ में ये काम लाजमी करें, ठीक हो गया। रफ़ में करेंगे तो आसानी होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट हमारे पास है जी 20 को फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है। तो 20 को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखें 2 है लास्ट पे, 0 × 2 पे करेंगे तो 2 × 2 = 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक साइड पे हम यहाँ पर प्राइम नंबर लिखते जाएंगे, और 2 को मैंने किस से मल्टीप्लाई किया था, 10 के साथ। 2 × 10 = 20, 2 × 10 देर बोलते हैं तो 20 बनता है। मजीद ये 2 नेक्स्ट वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर 10 है, 10 को ब्रेक करें तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते 10 हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर देखें 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5 वैसे ही आ गया। तो यहाँ पर बस 2 × 2 × 2 × 5 आ गया। तो वो आप इधर लिखना चाहें तो लिख दें, अदरवाइज़ इतना ही। इसमें उसने सिर्फ ये कहा है फिल द स्पेसेस। जब उसने इतना कहा कि फिल द स्पेसेस, तो हम सिर्फ स्पेस ही फिल करेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है जी, इसमें 105, इसको फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करना है जी 105। तो कैसे करेंगे जी, रफ़ में ये काम हम करते जाएंगे साथ साथ। हमारे पास है 105, ठीक हो गया। इसको इस तरह से हम क्या करें, ब्रेक करते हैं कैसे। अब लास्ट पे देखें 5 है, तो ये 2 पर तो ब्रेक होने, फैक्टराइज होने से रहा, तो 3 पर चेक कर लेते हैं। जब 3 पर चेक करते हैं तो 3 × 3 = 9, 1 कैरी किया 15, 3 × 5 = 15, ठीक हो गया। तो 3 और 35 के मल्टीप्लाई करने से हमें 105 मिलता है। तो यहाँ हम एक साइड पे 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 35, ठीक हो गया। तो ये प्राइम नंबर है, ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा, इसको हम वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर 35 है, इसको किस तरह से ब्रेक करें। 35 को ब्रेक करने के लिए हम देखें, हमारे पास जो है ये 3 पर सॉल्व अब नेक्स्ट नहीं होता, 4 पर भी नहीं होता, अब 5 पर चेक करते हैं। 5, 7, 35, 5 और 7 आ गया। 5, 7 मल्टीप्लाई करें तो 35 बनता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 × 7, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी 180, इसका थर्ड पार्ट है 180, इसको कैसे ब्रेक करना है। तो वैसे तो अपने दिमाग में सोचें तो हम इधर लिखें 2
और टू किससे मल्टीप्लाई करें तो वो 180 बनता है, तो इधर 90 लिख लेंगे। लेकिन ये एक आसान मेथड है, इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी और टाइम भी आपका बच जाएगा। रफ के तौर पे आपने इसको ले लेना है। अब देखें 180 है तो 2 के साथ करते हैं इसको सॉल्व, फैक्टराइज करते हैं, 2 9 18 और 07 वैसे आ गया। तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर लिखेंगे, यहाँ हमारे पास आ गया 90 आ गया, ये 2 वैसे ही आ गया। अब 90 जो है इसको मज़ीद ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, 2 के साथ ब्रेक कर सकते हैं, 2 4 2 8, 1 कैरी के 10, 4 5 10, तो 2 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, ब्रेक किया हमने, 2 इधर आ गया, 45 इधर आ गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट 2 तो इधर वैसे आ जाएगा, इसी तरह 2 इसका वैसे इधर आ जाएगा, ये 2 आ गया वैसे ही चलता जाएगा 2 2, ठीक हो गया। अब है 45, इसको ब्रेक करते हैं जी, 45 देखें 2 के साथ तो फैक्टराइज नहीं होता, तो ये 3 के साथ हो जाएगा, 3 1 3, 3 1 3 1 15, 3 5 15, 3 0 15, इधर आ गया 3, इधर आ गया 15 15 3 45, ये वैसे आ जाएगा, ये 2 के ये भी वैसे आ जाएगा, 3 ये भी इसके साथ वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पर 15 है, इसको ब्रेक करें तो 3 5 15, और यहाँ पर इससे सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 3 5 15, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास इसके लास्ट वाले फैक्टर आ जाते हैं, जिसको हमने सॉल्व कर लिया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.2। इसके अंदर मैंने फैक्टर ट्री का मेथड कंप्लीट बताया आपको। मुझे उम्मीद है सब बच्चों को इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।